हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा भारत से बाहर निकल करके ब्रिटेन के संविधान के ऊपर। वैसे हमने भारत के संविधान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और इसलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन समझने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया उसका एक बहुत बड़ा अंश ब्रिटेन से आता है। तो हम इसी बहाने भारत को भी समझेंगे और ब्रिटिश संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। इसमें जो पहली विशेषता है वह यह कि यह अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है कि इसे लिखा नहीं गया है। उदाहरण के लिए जब हम भारत की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा संविधान लिखा गया है। बाकायदा एक संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा ने, जैसे भारत का उदाहरण लें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में उस संविधान सभा ने इसको लिखा, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन आप यदि ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ ऐसी कभी कोई संविधान सभा नहीं बनी जिसने संविधान को लिखा हो। तो इसका एक फर्क ये पड़ता है कि यदि आप भारत और अमेरिका के संविधान को कहेंगे कि सर दिखा दो, तो कोई व्यक्ति उसको दिखा सकता है। वो एक प्रलेख के रूप में है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में है, एक किताब के रूप में है। लेकिन ब्रिटेन में यह चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अलिखित है। अलिखित होने का एक दूसरा कारण यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान है। चूंकि वह अलिखित है इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। ऐसा नहीं है जब आप कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है या अलिखित संविधान है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वहाँ कोई नियम कानून है ही नहीं। नियम है, कानून है, संविधान भी है, लेकिन वो क्या है, वह अलिखित है। और अलिखित इसलिए है कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है, समय के साथ, परंपराओं के द्वारा, उसका रीति रिवाजों के द्वारा समय समय पर जो डेवलप हुई उसके तहत उसका विकास हुआ है, उसका निर्माण नहीं हुआ। जैसे आप कहते हैं ना कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ, ऐसी कोई डेट आप ब्रिटेन के संविधान के बारे में नहीं कह सकते। तो वह अलिखित है और वह क्या है, विकसित है। तीसरी चीज आती है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक लचीला संविधान है, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि फ्लेक्सिबल या लचीला संविधान किसको कहते हैं। तो इसका आधार होता है कि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह कैसी है। तो दो चीज होती है, एक तो होता है सामान्य कानून, सामान्य कानून, और दूसरे होते हैं संवैधानिक संशोधन। तो जहाँ पे ये दोनों प्रक्रियाएं एक होती हैं, यानी जहाँ पे जिस सामान्य प्रक्रिया से साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी सामान्य प्रक्रिया से संविधान में संशोधन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, यह फ्लेक्सिबल या लचीला संविधान है। अब ब्रिटेन को देखिए तो वहाँ तो लिखित संविधान है ही नहीं, तो वहाँ पर सामान्य और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का अंतर है ही नहीं। जिस प्रक्रिया से कोई नया कानून बनाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से पुराने किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है। यह अमेरिका नहीं है, यह भारत भी नहीं है। भारत और अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए, कुछ प्रावधानों के लिए स्पेशल प्रोसेस अपनाया गया है, यानी सामान्य कानून और संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वह भारत और अमेरिका में अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ एक कठोर संविधान, लेकिन ब्रिटेन में आप कहेंगे कि वहाँ का संविधान क्या है, एक लचीला संविधान है। चौथी जो विशेषता है वह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। वहाँ डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव, और जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, इनमें आपसी संबंध होता है। पहली चीज़ ये है कि जो कार्यपालिका है यानी जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री या जो मंत्री होते हैं वे कहाँ से चुने जाते हैं, वे चुने जाते हैं व्यवस्थापिका से यानी पार्लियामेंट से। दूसरी चीज़
कि यह जो कार्यपालिका होती है यह उत्तरदायी होती है किसके प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति, और चूंकि उत्तरदायी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और एक और विशेषता पार्लियामेंट्री सिस्टम की होती है कि यहाँ पे दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक को हम कहते हैं क्या, नाम मात्र, और दूसरी को कहते हैं वास्तविक, नॉमिनल और रियल। फॉर एग्जांपल भारत में जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का पद है, वह नॉमिनल हेड है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और जो सपरिषद परिषद के साथ यानी मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं प्रधानमंत्री के साथ, वे रियल पावर को यूज करते हैं। ब्रिटेन में वहाँ का जो किंग या क्वीन होती है वह नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रतीक है, और जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद के साथ वह वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि ये सभी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं इसलिए हम कहते हैं क्या है, यह संसदात्मक लोकतंत्र है। आप अमेरिका में जब जाएंगे तो वहां संसदात्मक लोकतंत्र नहीं है, वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो ये विशेषताएं आपको वहां नहीं मिलेगी। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अगली विशेषता है वह है कि सुपरमेसी या पार्लियामेंट। ब्रिटेन में संसद सुप्रीम है, वह कोई भी, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वह किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई भी कानून वह बनाने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि वहाँ संसद की क्या है, सर्वोच्चता है। तो ये पांच इसकी मुख्य विशेषता है। कुछ विशेषताएं और हैं जिसको हम देख लेते हैं। छठी विशेषता को आप कह सकते हैं विधि का शासन, विधि का शासन, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब विधि के शासन का क्या मतलब है? विधि के शासन का पहला मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं, किसका शासन होगा, कानून का शासन होगा, व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का शासन नहीं होगा। विधि के शासन की पहली विशेषता यह है। दूसरी ये कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष क्या होगी, समानता होगी। अब इस इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ब्रिटेन में ये है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, गली कूचे में रहने वाला सामान्य व्यक्ति, या कोई सरकारी कर्मचारी हो या प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक न्यायालय। यानी यदि इसको ऐसे समझे साधारण भाषा में कि यदि अपराध एक प्रकार का है तो सबको एक प्रकार का दंड मिलेगा। तो सब क्या है, कानून की नजरों में सब समान है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई सरकारी कोई प्राइवेट नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता है, कानून कोई भेदभाव नहीं करता है प्रधानमंत्री और सामान्य नागरिक के बीच में। और तीसरी चीज है कि प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। इसके दो मायने हैं। पहले तो ये कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो वह कानून का सहारा ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, वही कानून और उसी न्यायालय में प्रधानमंत्री भी जाएगा और उसी कानून का सहारा लेकर के उसी न्यायालय में प्रधानमंत्री भी जाएगा और सामान्य व्यक्ति भी जाएंगे। यानी और सबसे बड़ी बात कि वह न्यायालय किसी व्यक्ति को सुनने के लिए मना नहीं करेगा, यानी सबको क्या है, कानून का समान संरक्षण है। और यह बहुत बड़ी देन मानी जाती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। और आखिरी बात आप कह सकते हैं मेरे तरफ से, सेकुलर स्टेट यानी
धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, धर्म निरपेक्ष जो ब्रिटिश राज्य है वह एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि एक समय था, मिडिवल पीरियड था, जिसमें चर्च और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर के संघर्ष भी रहा। उसके पहले एक ऐसा दौर था जब चर्च राजा से भी बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का विकास हुआ, चर्च और स्टेट को अलग किया गया। तो आज ब्रिटेन का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया का इस्लाम है या पाकिस्तान का इस्लाम है, वैसे वहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत भी धर्म निरपेक्ष है, इसलिए इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। दूसरा मतलब यह है कि यहाँ जो व्यक्ति होंगे वे अपने आस्था के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। यह ब्रिटेन में भी है, यह अमेरिका में भी है और यह भारत में भी है। वहाँ कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का आप पालन कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि राज्य अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करती है तो वह यह देखती है सिर्फ कि यह एक इंडिविजुअल है, वह ब्रिटिश सिटीजन है। वह यह नहीं देखता, ब्रिटिश स्टेट यह नहीं देखता कि नहीं वह पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए जो कि अपवाद माना जाता है, यद्यपि इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। व्यवस्था यह है कि जो राजा है ब्रिटेन का वह हमेशा प्रोटेस्टेंट धर्म से होगा। इसका मतलब यह है कि जो किंग होगा या क्वीन होगी वे हमेशा, वो कैथोलिक नहीं हो सकता, वह प्रोटेस्टेंट धर्म से ही जुड़ा हुआ होगा। तो ये राजा के लिए एक अपवाद है, लेकिन राज्य जो है वह किसी भी व्यक्ति के साथ नागरिक के रूप में व्यवहार करता है, उसके धर्म के आधार पे व्यवहार नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। विशेषताएं और भी हैं लेकिन ये मुख्य विशेषताएं थी जिसको मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझता था। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।